आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेड के बचे हुए कोनों की रेसिपी। अक्सर लोग इन्हें फेंक देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन्हें फेंकना भूल जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। रेसिपी बनाने के लिए हमने लिए हैं 15 से 20 ब्रेड के किनारे, साथ ही लेंगे एक बड़ा चम्मच घी। अब सभी ब्रेड के किनारे को घी में फ्राई कर लेंगे। तो उसे 3 मिनट कुरकुरा होने तक तलेंगे। टोस्ट करते हुए फ्राई कर लेंगे। सेम कढ़ाई में लेंगे 2 बड़े चम्मच घी, 1 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही इसमें जाएंगे हरे मटर के दाने। मटर को थोड़ा दूर होके डालिए क्योंकि मटर फूटती है। ढककर 2 से 3 मिनट कुरकुरी होने तक पका लेंगे। अब इसमें जाएंगे पतले कटे हुए आलू। आलू मटर को 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। ढककर भाप में थोड़ा सा नरम होने देंगे। अब डालेंगे लंबी कटी हुई प्याज, 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सभी चीजों को अच्छे से तल लेंगे। अब ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी को सब्जियों में मिला लेंगे। अब इसमें जाएंगे ब्रेड के फ्राई किए हुए किनारे। करछी चलाते हुए सभी चीजें को मिला लेंगे। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीजों को टॉस कर लेंगे। आप इस नाश्ते की रेसिपी को मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ब्रेड के किनारों की रेसिपी कैसी लगी। और मिक्स रसोई रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।